हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आप अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी मैं और क्या नाम क्या था मैं और ठुसी जा रहे हैं मैं और ठुसी जा रहे हैं कलयुग बांटने के लिए। दोस्तों, कलयुग होता है जैसे क्या कहते हैं, कलयुग को हिंदी में क्या बोले, जब लोग भारूलनी भारू के बोले चौलोग। अच्छा, कलयुग होता है जैसे कि घर में कोई फंक्शन होता है तो उसका उसको देने के लिए मतलब मिठाई जैसे टाइप की ना, जो घर से घर पे बनता है, तो वो हर एक मतलब अपने रिश्तेदारी में ख्वाले में बांटना पड़ता है। तो वो हम दोनों बांटने जा रहे हैं आज। तो आज प्लीज आप ब्लॉग में बने रहें ऐसे ही हमारे साथ। ये लड्डू हैं और हम जा रहे हैं खोले में बांटने के लिए। तो सब शुरुआत करेंगे हम यही से। ओ चाची, चलियो चलियो, बोकेदार नाय तुम्हें वहाँ बोकेदार झंडा है तुम्हें उसे और वहाँ कलियो बटना चो हम दिया। चलो अब उसको, ओ चाची कलियो, बोकेदार झंडा है तुम्हें वहाँ। चलो बोला खा लो। ओ चाची कलियो, गाइस ये लोग पता नहीं अभी क्या हुआ। हाँ? ओ कैसा लो कलियो, ये बोकेदार झरना है मैं तो लगड़ो ओपन ही नहीं हुई इन चलो काम बाजी रुआ दी लड्डू वापस दीवार अब दुबरान अबे यार कुछ के वाल जान से वाल यार कुछ नहीं। अबे ऑन कर रही है यार। मुगने दिखे अड़ू आप भी नहीं दिखे अड़ू। गाइस तो देख सकते हैं आप, ये लोगों के छीमी के पेड़ है और इस पेड़ों के बीच में रास्ता है और ये रही हमारी भाभी जी। और इनके आते ही यहाँ पर लाइट बंद हो चुकी है, इन्होंने लाइट बंद कर चुकी है, इनका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है। दोस्तों अब हम आ गए हैं नीरज के घर में कलियों बांटने के लिए आ रहे हैं। तो बुआरी कलियो दे दे रे बाबा कलियो यो बोकेदार नाच झरना थी गया। बड़ी अदर है अदर। चाची को ऊपर दिखाओ, चाची को, चाची को। गाइस कैमरामैन फोकस करो, कृपया करके हमने फोकस किया है। तो चलिए चलते हैं, चलो चलिए ऊपर। अभी तक घूंगर चौक आ रहा हूँ। 100 रुपए भी देनी नहीं, 100 रुपए देनी मैं डबल कैमरा। देखो गाइस ये झाड़ियां हो रखी है, मिनका मेरे बाल। गाइस ये मुंगरी हो रखी है लोगों की यहाँ पे बकरिया भी है। दीपू ही को दिखाऊं जो मैं, गाइस देख सकते हैं आप, ये देखिए कैसा कैसा रास्ते से जाना। दोस्तों मैं गिर गया तो एक कॉमेडी ब्लॉग भी बन सकता है। गाइस यहाँ पे दादी बैठ रखी है अंदर। ओ घुंघर चा देखिए गाइस, इनका अंगूर का झेल है यहाँ पे, बहुत सारे अंगूर लगते हैं। अरे पर दादी तुम दादी तो केयर बनी यार, दादी केयर बनी तुम्हें तो मैं दे लूं दादी तुम्हें। बहुत ठीक है, हम चलते हैं यहाँ से प्रस्थान करते हुए। ये हमारी छन्नी यहाँ पे दरवाजे पर। दोस्तों रास्ता बहुत खतरनाक है, इनको मत दिखाने दे। देखिए गाइस उस, देखिए गाइस यहाँ पे मेरी मम्मी है,
यहाँ पे टीवी भी लगी बाद में बताओ मैं एक बात देखेगा इस पूरे रास्ते में यहाँ पे अंधेरा यहाँ पे सौर ऊर्जा नहीं है वहाँ पे और हम आगे को प्रस्थान करते हुए ओ चाची चलियो हम कारण के बोल दे ओ चाची लाइट नहीं जा रही यूं ही नो तो अंधेरा कर रहा है इनके बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है लो लो बड़ा हम बड़ा पड़ी हुए हैं ओ धन्यवाद भाई बताओ आप सबको भी धन्यवाद नहीं दिखे मुझे बताओ मतलब आप से ले जाओ बहरा लाइट ले जगी से इन बोलो चली भाई ने दिखी लाइट क्या बैठी ना ये तो रोटी बनाने लगे हैं नमस्ते नवीन पापा बन गया है वो केदार ना झड़ना है तुम गाइस आगे देखिए अंधेरा ओ पानम सा यहाँ पे कोई है ही नहीं ओ खजी देख ओ नारायण जी ये गंबा तो बड़ा मदन बड़ा नहीं चोगम भी ना बड़ा का भला ओ बड़ा हाँ सीधा सीधा सुबह तू बोल रही क्या अभी तो बस सौ रुपये बाजू कैसे बाजू तुम लड्डू चाहिए है खाए बोलो गाइस ये देखिए कि यहाँ लोगों के घर में बैठ रखी है आया बहुत देखो ये लोग दिल्ली क्या गए तो ऊपर में नहीं वो हाय तकड़ो ये देखिए इन्होंने क्या दिल्ली जाकर मुंड में पता नहीं क्या क्या लगा रखा है ये देख ले घर में रहते तो ये जांगुल बन के रहते थे और दिल्ली जाकर देखे ये पहन के आ रहे ब्लॉगम देख ली ब्लॉगम सब कुछ आते हैं भाई सब कुछ आएगा ओ बड़ा बड़ा राम राम बड़ा पड़ी हुए ओ बड़ी नमस्कार नमस्कार कलियो मिला भी तो देखो तुम गाइस यहाँ का रास्ता ऐसे गाइस इतना अंधेरे में जाना पड़ रहा है हमें देखो गाइस आगे ऊपर तक बाई चांस भालू आ जाए शेर आ जाए कुछ आ जाए और हमें खा जाए बताओ कैसे जाएंगे यहाँ और झाड़ी अलग हो रखी है देख सकते हैं आप लेट जगह देखिए गाइस ये मेरे को आगे आगे लखा रहा है बोल के इसको ही खाएगा भाई हम लड़ेंगे देख सकते हैं गाइस अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है अभी वो ऊपर तक जाना है हमको गाइस दिल्ली के मोटे लोग यहाँ पे चल नहीं पा रहे अंधेरे में दिखने तो तेरे पर लाइट है मैं बिना लाइट है चल जान गाइस हमारे गाँव का व्यू कुछ इस तरह मैं तो थक गया गाइस बहुत चलाइए ऊपर एक घर है दो परिवार वहां रहते हैं ये देखिए गाइस यहाँ पे हो रखा है कोदा इसकी फ्लाइट जला ना ये हो रखा है अब इनको जानवर कुछ नहीं रखते इनको खा जाते हैं दोस्तों हम लोग छोटे थे तो हम यहाँ आते थे देखे गाइस यहाँ पे लगा है जय सिद्ध बाबा की गाइस यहाँ पे हमारा मंदिर है जाने भी थे जय सिद्ध बाबा अब के लिए चढ़ाने अब लोग को घर में चढ़ाया अरे हाँ चलने में थी आते हो
हाँ चलो गाइस आते हुए आएंगे। गाइस यहाँ पे परसों वो हुआ था, तो यहाँ पे देखो अंगारे पे जले हुए मंदिर का क्या कटा था है? मंदिर रोड कटिया था ना, लाइट बंद हो गई होगी। हाँ देखे गाइस ये झंगोरा हो रखा है, बहुत ही अच्छा हो रखा है, पर क्या करें यहाँ पे जानवर कुछ रखते ही नहीं है। क्या का पत्ता जी? पापड़। पापड़ के पत्ते रखे हैं यहाँ पे, पॉली हाउस भी है इसके अंदर ही सब्जी वगैरह है लोगों की। देखिए गाइस हम पहुंच गए यहाँ, इनका कुत्ता भौंकने लग गया। बोले हंसते आजा 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 आजा। देखिए ये इनकी बच्ची आजा ये 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 आरबी। देखिए ए तेर पिटी मम्मी ये हट वो कौन पे लगी आरवी। हाँ हाँ तेरे पैर सही है? हाँ थोड़ा ठीक है। आरवी हाय बोल दे। हाय हाय करे से, हाय करे, हाय करे से, हाय नहीं करनी है। गाय ये देखो इन्होंने यहाँ पे आम ही आम रख रहे हैं, आम तोड़ कर रख रखे इन्होंने यहाँ पे आम ही आम, वो देखो सारा आम ही आम का भरा हुआ है। अप्पा निकाल से यू भी दीची घर में बाकी वो मना कर मैंने बोला बच्चों के। अच्छा चाची खाती नहीं है वो चाचा। अच्छा है क्या बो? ए बो से क्यों तुम अच्छा ताली बड़े में चलाओ खाना भी नहीं पका तुम उन मैं जता ताली बड़ा एक पुटुक पूरे गया इधर ना मैं मिटू नहीं खान। हाँ चलते हैं गाइस यहाँ से, ये लास्ट घर थे हमारे गांव के। कहाँ थे अभी? दो चार ये ऊपर वाले बोल रही हूँ मैं। सबसे लास्ट के ना? हाँ सबसे ऊपर वाले सबसे लास्ट के घर थे ये। और चलते हैं हम आपको दिखाते हैं यहाँ से अपने गांव का नाइट व्यू और अपने गांव के मंदिर को। दोस्तों ये हमारा शिव मंदिर सिद्ध बाबा भोले भंडारी। चप्पल निकालते हैं। जय बाबा जय हो भोले भंडारी। दोस्तों जब सबसे पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, जब ये मंदिर मतलब एक पत्थर से बना के इसको बड़े रूप दिया गया था मंदिर का, तो मैंने जब सबसे पहले इसका स्थापना हुई थी तो मैंने ही उस टाइम फोटोग्राफी करता था, तो उस टाइम की मैंने इसकी वीडियो बना रखी है उस दिन के भंडारे की, और रात को जो यहाँ काल रात पूजा हुई थी स्थापना से पहले वो। तो दोस्तों मेरे को कम से कम 20 साल से ज़्यादा हो गए ये वीडियो बनाई हुई। तो दोस्तों और मैं आज फिर याद करना चाहता हूँ केशव चाचा को, भगवान उन्हें फूलों में रखें, अपने श्री चरणों में स्थान दें। उन्होंने इस हमारे सिद्ध बाबा मंदिर के लिए अपनी पेंशन की जमा पूंजी और ऑन जॉब में भी उन्होंने बहुत खर्चा किया, काफ़ी कर्जा भी हुआ उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक बार ही मंदिर आधे से ज़्यादा नीचे से टूट गया था, तो तब फिर दोबारा उन्होंने नीचे से रखवाना शुरू किया, तो उन पेंशन के बाद उन्होंने अपने पेंशन का एक अंश से यहाँ पे फिर दोबारा से मंदिर का निर्माण करवाया और ये सब पूरा बनाया है। तो दोस्तों आज मैं फिर उनको याद करना चाहता हूँ केशव सिंह रावत जी को, जिन्होंने इस मंदिर के लिए सिद्ध बाबा को इतना मानते थे वो, और उन्होंने मतलब पूरी उम्र अपनी भक्ति दिखाई बाबा के प्रति। तो जय हो हमारे केशव चाचा जी की भी, अमर रहें हमेशा फूलों में रहें। तो चलते हैं फिर दोबारा दूसरे घरों में। देखिए गाइस अब तो मंदिर काफी अच्छी बन चुकी है, और ये देखिए अंदर ऐसा कुछ है देख सकते हैं आप, और यहाँ से हम आपको नाइट व्यू दिखाएंगे अपने गांव का और उधर के जितने भी इलाके हैं। ये देखिए दोस्तों हमारे गांव से बिल्कुल इतना अच्छा दिखता है व्यू,
कि मैं आपको मतलब दिखा के व्याख्या कर सकता हूँ, और जब आप बिल्कुल अपनी आंखों से देखोगे तभी आप विश्वास कर पाओगे इतना अच्छा। और आपको फोन में तो ऐसे ही दिख रहा होगा, पर सामने आकर जब देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये तो हमारा आधा ही गांव है, आधा उधर साइड को है, और लोगों ने भी आधी लाइट खोली है, तो सुबह के टाइम पे हमारा गाँव ज्यादा बेटर लगता है। तो चलिए हम चलते हैं। और यहाँ पे देखिए गाइस, शिवलिंग भी बनाई गई है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हवन कुंड भी है। ठीक है गाइस, बहुत ही अच्छी मंदिर बन चुकी है अब पहले से। चलो चलते हैं हम नीचे की ओर। ओ यहाँ पे भी है एक कमरा, यहाँ पे कोई स्टोर देख सकते हैं। चलते हैं जहाँ से आए हैं नीचे को। ना देखिए गाइस, यहाँ पे है एक घर। बोला राम राम, मुझे सोना जी। बोला राम राम। देखिए गाइस, वो कान कम सुनते हैं। इधर ही बड़े से रास्ता। हाँ इन्होंने भी अपना घर बड़ा बना दिया, बहुत अच्छा गाइस। हाँ देखिए यहाँ पे एक ही आदमी रहते हैं ये, बाकी सब। हाँ जी राम राम। बड़े जी कलियो कई कलियो ये बके तो दौ कलियो उसे बके तो दार नाचे हुए झड़ने थे। हाँ बढ़िया खाना। हाँ आप तो खाया आपने? अच्छा। वो तो बाजी तो कभी खा दी नहीं से जानी इन्हें पोर जानी मतलब। चलो यहाँ से चलते हैं दूसरे घर। देखिए गाइस, इनका इतना बड़ा शौक है जो बोल गाइस। यहाँ पे पता ख्वाल का सबसे बड़ा चौक है ये। हाँ। ये शादी वगैरह बारात का पूरा फंक्शन एक ही बार में निपट जाता है। हाँ जयमाला भी फर्स्ट क्लास होती है यहाँ पे, मस्त करके होता है। और ये हमारे सारे हैं गाइस, जब किसी की शादी होती है तो यहीं पे मस्त करके होती है। देखिए और ये पर को इनको गलत बोले तो चट सुन लेते हैं। पूरा बीड़ा डाला ना मुझे। देख यहाँ से इधर को चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारे यूट्यूबर का भी घर है। यूट्यूबर अब नहीं बनाती हो वीडियो। इसका क्या था चैनल कौन सा था? है? अरे हैप्पी ताजी हूँ कलियो चुमारे। ये उसकी मम्मी है। ये हमारे यूट्यूबर है पायल गुसाई। पायल गुसाई के नाम से यूट्यूब हैंडल था इनका लड़की का, और वो हमारी बहन। मैं उन्हीं से इंस्पायर्ड हुआ हूँ अपना यूट्यूब ब्लॉग बनाने के लिए। हमारे गांव की पहले यूट्यूबर है पायल गुसाई। गांव की जन गाँव से कट गई। हमारे ख्वाल की तो है। हाँ ख्वाल बोलो। अब तो बन गए थी भीड़ भाई। चलो चलो देख नीचे भैया में। चलो गाइस चलते हैं आगे को। लोगों ने नए नए घर बना दिए। और वो एक गुलानी गांव, ऊपर एक गुलानी गांव, वो है बड्डा, वो जो दिखता है आगे नीचे है डाबर। डाबर जहाँ पे लोग अंतिम यात्रा होती है वहाँ डाबर है। गाँव बारे में पूरा तो पता है। हमारी दादी जी है और मतलब दादी है, पापा की चाची है कि दादी है, पर हमारी दादी है। दादी मतलब इस तक नीचे ही नहीं हो रहा हो। दादी चला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि किस क्या किसको क्या बोल रहा है। बड़ी पानी दे दे यार एक गिलास। ओ दादी दादी मती मती नहीं दादी का गई जी। ओ दादी दादी से गया मैं चला। गप्पे लगा
ले कपड़े दे दी ना आती जो हाँ वो के साथ झड़ना है कर कपड़े से झड़ना है गाइस एक परिवार यहाँ पे भी रहता है अजीत का घर है ओ चाची किचन नंबर ये हमारी चाची श्री है और अकेला रहती है घर में सारा काम करती है गाय बच्ची सुबह से लेके शाम तक लगी रहती है काम करने में और उसके बाद खाना उना खाने के बाद सो जाती है रात को मेरे तो बो है मैं तो जो बोल सको अभी किसी दिन बोले उठा के ले जाएगा हाँ ना ना मेरे तो ब्याह खा के ले जा अरे नहीं आपने पूछा ये किस चीज का कलयुग है ये कलयुग है वो के दादा का और पप्पू दादा का झरनाती हो रखा है उसका अच्छा, कलयुग है ये ठीक है थैंक यू तो बना रहा है कुछ दिक्कत देखिए गाइस ये है घर आयो आया लड्डू खाना ठीक है लड्डू लड्डू ये देखिए ये कौन और कच्ची मकड़ी तो सुपर है इधर ए दो कलयुग दो भाई खा लिया है हाँ लड्डू शौकिंग जो बोलो झरना तो झरना बेटा चलो यहाँ पे चलते हाँ हाँ बैठ रहे हो तुमको क्यों नहीं बुलाया उन्होंने वो पींदा नहीं जी बड़ा वो साधन बड़ा तो यहाँ पे हमारी लास्ट बस स्टॉप है ये कलयुग देने का लड्डू देने का तो ये कलयुग नवीन बॉर्डर बड़ी हो और रामेश्वर चाची दादी बड़ी आई और वो कहता झरना की हुई सर पकड़ झरना की हुई कलयुग तीन आदमी छो तो तुमको तीन कर बड़ा लो के बोल दी भांडो तल गत्ता काला भांडो तल चलो जाना अच्छा तो गाइस बाय बाय बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको देखने के लिए अंधेरे में जगह जगह देखने के लिए और हमारे कैमरामैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना हमें सपोर्ट किया मेरी वीडियो बनाई थैंक यू खुशी 5%